आस्था चैनल में चल रही शिव महापुराण कथा जो कि सीहोर से दिखाई जा रही है, इस कथा के अंतिम दिन मतलब सातवें दिन की कथा में जो गुरुजी ने जानकारियां दी हैं उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहली विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा के विराम दिवस है और गुरुजी ने कहा आज कथा पूर्ण हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, तो कुबेर भंडारी से निवेदन करके जाना कि ऐसी झोली भरना कि आपकी पवित्र भूमि में मैं आकर एक बार यजमान अवश्य बनूं। आज की कथा की अगली जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता हमारे जीवन को सार्थक करती है और जब तक विश्वास और भक्ति हमारे जीवन को सार्थक ना करे तब तक हमारा मनुष्य जीवन लेना बेकार है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज लोग कहते हैं गाय आवारा घूम रही है, पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं गाय आवारा है, सड़क में घूम रही है, बल्कि गाय आवारा नहीं है, तुम्हारी दृष्टि आवारा हो गई है। गुरुजी ने कहा तुम्हें वो आवारा नजर आती है, उसका दूध निकालकर तुमने उसे छोड़ दिया है, वह भूखी घूमती रहती है, बारिश में धूप में परेशान हो जाती है, बारिश में जमीन गीली हो जाती है तो वह रोड में आकर खड़ी हो जाती है, जिससे गाय का दूध निकालकर दूध पीकर आप हम और पूरा संसार बड़ा हुआ है उसे सम्मान मिलना चाहिए और हम सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि बच्चों के पाठ्यक्रम में गौ माता से जुड़ा एक पाठ अवश्य होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रीना जी हरियाणा से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वर्णन नहीं कर सकती, हमारी पोजीशन अच्छी नहीं थी, अच्छे से गुजारा भी नहीं कर सकते थे। तभी मेरे बेटे ने कथा पंडाल में कथा सुनने को कहा, मैंने सालासर राजस्थान की दो दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और आ गई। मेरे बेटे ने इंडियन नेवी का एग्ज़ाम दिया, उसे विश्वास भी नहीं था कि वह सिलेक्ट हो पाएगा, पर बाबा की कृपा से इंडियन नेवी में उसका चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं विशेष जानकारी की ओर। कैलाश जी खंडवा से पत्र लेकर आए, जिसमें मैंने लिखा इतनी शराब पीता था कि पूरा घर मेरे से परेशान रहता था, मुझे कोई रिश्तेदार अपने पास नहीं बुलाता था, कोई काम धंधा भी नहीं था, मैं नशे में था, मेरे पूरे परिवार वालों को मुझसे बहुत दिक्कत होती थी। मेरे पूरे परिवार वालों ने मुझे भोपाल की कथा सुनने को कहा, मैं ट्रेन में बैठा और कथा सुनने गया, पंडाल में बैठकर मैंने ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने पंडाल में बैठकर ही बोल दिया कि अब शराब नहीं पीऊँगा, तब से आज का दिन है मैंने शराब छोड़ दी है और बाबा की कृपा से मैंने पत्तल धोने की फैक्ट्री भी डाल दी है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। मीनाक्षी जी हरियाणा से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा मेरी बेटी 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, एक दो नंबर से रह जाती थी, 2023 में आपकी कथा सुनी, बेटी ने कहा कि अब की बार डबल मेहनत करूंगी और बेलपत्र में बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने जाऊंगी, बाबा के भरोसे जाऊंगी, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का दिल्ली पुलिस में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल एक बहन ने कहा था गुरुजी हम आपकी कथा सुनते हैं और उपाय भी करते हैं, आप उपाय जो बताते हैं लोग उसे टोटका कहते हैं और कहते हैं कि आप टोटके वाले महाराज हो, जिसे सुन के हमें बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी ने कहा जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है तो उसमें नियम होता है, सुबह कौन सी दवाई खाना है, शाम को कौन सी दवाई खाना है, किसे पानी से खाना है, किसे दूध से खाना है, किसे गर्म पानी से खाना है, किसे नॉर्मल पानी से खाना है, उसी तरह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका होता है, शिवलिंग पर पीपल के पत्ते चढ़ाने का तरीका होता है, काली तिल चढ़ाने का तरीका होता है, धतूरा चढ़ाने का तरीका होता है, दाल अर्पित करने का तरीका होता है, पूजन करने का तरीका होता है, त्रिपुंड लगाने का तरीका होता है, दूर्वा चढ़ाने का तरीका होता है, यह सब हमें शिव महापुराण की कथा बताती है और लोग कहते हैं जिसे टोटका। तो गुरुजी ने कहा हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम शिवलिंग पर कुछ भी चीज़ अर्पित करने का तरीका शिव महापुराण कथा के अनुसार बता रहे हैं, अगर आपसे उसको लाभ होता है, फल की प्राप्ति होती है, लोग हमें कुछ भी कहें उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को शिव भक्ति मिल रही है, शिव कृपा मिल रही है, वह हमारे लिए पर्याप्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा गंगा के घाट में माता पार्वती ने महादेव से 3 प्रश्न किए, पहला प्रश्न यह किया माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा मान लो कोई गंगा का जल का स्नान करने के लिए गंगा तक ना आ पाए तो उस जीव का कल्याण कैसे होगा, तो इस पर महादेव ने कहा जो मेरे शिवालय में हर हर महादेव कहता है गंगा उसे वहीं पहुंचकर मुक्त कर देती है। दूसरा प्रश्न माता पार्वती ने भोलेनाथ से किया काशी मोक्ष नगरी है, अगर संसार का व्यक्ति काशी तक ना पहुंच पाए तो उसका कल्याण कैसे होगा, इस पर महादेव ने कहा संसार का व्यक्ति अगर 5 बार या फिर 7 बार या फिर 2 बार या फिर 1 बार काशी 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 ऐसे बोल देता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न तीसरा जो था माता पार्वती ने भोलेनाथ से किया अगर किसी जीव को धन का अभाव है उसे देवालय शिवालय
या फिर तीर्थ पहुंचना चाहता है पर वह ना पहुंच पाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर महादेव ने कहा, मेरे भक्त को लेकर किसी भी तीर्थ या मंदिर तक लाने की जिम्मेदारी मेरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो आपको अपने घर के पास के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू कर देना है और विचार कर लो कि कुबेर भंडारी से मैं विनती करती हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा पाऊँ। तो आप ऐसा बोलते हुए जब जल अर्पित करेंगे, बाबा कुछ ना कुछ करके ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि आपको अपने पास बुला लेते हैं, मतलब आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम बुला लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। सीमा जी पत्रकार राय लखनऊ से, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। बेटे ने भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए आर्मी का एग्जाम दिया, पशुपतिनाथ व्रत किया, रुद्राक्ष महोत्सव में आकर सेवा करी। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। नैन्सी दत्त जी इंदौर से पत्र लिख, जिसमें लिखा, मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हिम्मत हारने लगी थी। मैंने कहा, खूब मेहनत करो और बाबा पर विश्वास रखो। बेटी ने 5 एग्जाम देने की सोची और सोचा कि एक में एक हो ही जाऊंगी। सीहोर में जाकर कंकर शंकर की पूजन करके आ गई, खूब पढ़ाई की, 4 गुना अधिक मेहनत की और उसकी 5 एग्जामों में नौकरी लग गई। उसने सेंट्रल बैंक की नौकरी को चुन लिया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा कार्यक्रम इस प्रकार है, 11 से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड रूपकुल कृपा पीलीभीत में जो शिव महापुराण कथा होनी थी वह कैंसिल हो गई, जिस कारण आप उस कथा का श्रवण नहीं कर पाए। पर जो कथा अब होगी वह 20 से 26 नवंबर 2024 तक सतुआ बाबा के मार्गदर्शन पर काशी उत्तर प्रदेश में होने वाली है। यह कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुन पाएंगे और काशी में हैं तो काशी में कथा पंडाल में भी जाकर आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद दिसंबर माह के पहले सप्ताह में शिव पुराण कथा होगी, जो कि 1 से 7 दिसंबर 2024 तक सिरपुर महाराष्ट्र में होगी। इस कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 9 से 11 दिसंबर तक होगी। यह 3 दिशी शिव महापुराण कथा रहेगी, जो कि त्रिवेणी शिव पुराण रहेगी और यह भारत के बाहर दुबई में होगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा जो होगी दिसंबर माह की, वह 16 से 22 दिसंबर 2024 तक मेरठ में होगी। मेरठ की शिव महापुराण कथा और अन्य सभी शिव महापुराण कथा दुबई को छोड़कर जो भारत में हो रही हैं उनका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। अब हम आपको बता दें, इस वीडियो में हमने जो आपको आस्था चैनल के शिव पुराण कथा का सार बताया है, यह पुरानी शिव पुराण कथा है जो आस्था पे आ रही है, जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में हुई थी। अभी लाइव शिव महापुराण कथा नहीं चल रही है, आस्था चैनल पर पुरानी शिव पुराण कथा दिखाई जा रही है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।